सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि मैम आप चिकन की रेसिपी शेयर करिए, तो आज मैं थ्रेड चिकन की रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए देखते हैं थ्रेड चिकन बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है। थ्रेड चिकन बनाने के लिए फ्रेंड्स मैंने चिकन लिया है, ये बोनलेस चिकन है, इसे ऐसे लंबे पीसेस में कट कर लेना है। मैदा, लाल मिर्च पाउडर, चिल्ली सॉस, काली मिर्च पाउडर, सोया सॉस, अदरक लहसुन का पेस्ट और एक अंडा लिया है मैंने। ये समोसा सीड्स है फ्रेंड्स, समोसे पट्टी, ये मार्केट में इजी अवेलेबल है फ्रेंड्स, ये आसानी से मिल जाता है, इसे हम थ्रेड बनाने के लिए यूज करेंगे। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। थ्रेड चिकन बनाने के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट कर लेंगे, इसके लिए मैंने एक बाउल ले लिया है। अब हम चिकन को बाउल में डाल देंगे। अब इसमें जो फ्रेंड्स मैंने एक एग लिया था इसमें मिक्स कर देंगे, काली मिर्च पाउडर, सोया सॉस, रेड चिली सॉस, अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, 2 टेबलस्पून फ्रेंड्स हम इसमें मैदा डाल देंगे, नमक, नमक फ्रेंड्स हमें अपने टेस्ट के अनुसार ही रखना है। अब हम इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए मैंने इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसे हम 15 मिनट के लिए ढककर रेस्ट होने देंगे। अब हम थ्रेड बना लेंगे। थ्रेड बनाने के लिए फ्रेंड्स जो ये मैंने समोसा पट्टी लिया था इसे हम कट कर लेंगे। इसे फ्रेंड्स हम इस तरह से मोड़ लेंगे और एक सीजर की सहायता से फ्रेंड्स हम इसे कटिंग कर लेंगे। इसे हमें बारीक बारीक ही कटिंग करनी है। देखिए फ्रेंड्स इसे मैंने कट कर लिया है, ये थ्रेड के जैसा दिख रहा है फ्रेंड्स। कट करने के बाद फ्रेंड्स हम इसे ऐसा कर देंगे तो ये खुल जाएगा। इसी तरह फ्रेंड्स हम सारे समोसे पट्टी को कट कर लेंगे। देखिए मैंने सारे समोसे पट्टी को फ्रेंड्स कट कर लिया है। 15 मिनट हो गए हैं, अब हम अपने चिकन को देख लेंगे। देखिए हमारा चिकन भी अच्छी तरह से सेट हो गया है। अब हम एक बार इसे फिर से मिक्स कर लेंगे। अब हम फ्रेंड्स जो ये सीड्स को मैंने कट किया है इसे हम ऐसे लेके इस पे ऐसा फैला देंगे। अब एक चिकन के पीस को हम ले लेंगे, इसे सेंटर में रख लेंगे, इसे हम धीरे धीरे रैप कर लेंगे। इसे हमें अच्छी तरह से रैप करना है फ्रेंड्स, ताकि जो ये समोसे पट्टी है फ्रेंड्स अच्छी तरह से हमारे चिकन पे स्टिक हो जाए। अब इसे हम हाथ से ऐसे धीरे धीरे प्रेस करके भी स्टिक कर देंगे। देखिए मैंने अपने चिकन को अच्छी तरह से स्टिक कर लिया है। इसी तरह मैं आपको दूसरा भी रैप करके दिखाती हूँ। अब हम फिर से वही प्रोसेस करेंगे। एक चिकन के पीस को लेंगे, इसे फिर से हम रैप कर लेंगे। सारे सीड्स को फ्रेंड्स हम अच्छी तरह से इस पर स्टिक कर देंगे। देखिए मैंने चिकन को रैप कर लिया है। फ्रेंड्स अगर आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा अच्छी लगती है तो फ्रेंड्स आप इसे शेयर भी कर दीजिए। अब हम इसे तल लेंगे। तलने के लिए सबसे पहले हम गैस ऑन कर लेंगे और एक कढ़ाई रख देंगे गरम होने के लिए। कढ़ाई हमारा गरम हो गया है, अब इसमें मैं तेल डाल देती हूँ। तेल को फ्रेंड्स हम ज़्यादा गरम नहीं करेंगे, इसे हम हल्का ही गरम करेंगे। तेल हमारा हल्का गरम हो गया है, अब उसमें मैं एक एक करके ये थ्रेड चिकन डाल देती हूँ और गैस का फ्लेम फ्रेंड्स हम एकदम स्लो कर देंगे।
इसे फ्रेंड्स अभी हमें चलाना नहीं है, इसे हमें थोड़ी देर इसे पकने देना है। देखिए चिकन एक तरफ से तल चुका है, अब इसे हम पलट देंगे। देखिए हमारा थ्रेड चिकन तल के तैयार है, इसका कलर देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा आया हुआ है। अब हम इसे डिश में निकाल देते हैं। इसी तरह मैं दूसरा थ्रेड चिकन भी तल लूँगी। फ्रेंड्स ये थ्रेड चिकन आप पार्टी में स्टार्टर्स के रूप में बनाएंगे तो गेस्ट भी खा के खुश हो जाएंगे और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आती है ये थ्रेड चिकन। देखिए हमारे दूसरे थ्रेड चिकन भी तल के तैयार हैं, अब इसे भी मैं डिश में निकाल लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स हमारा थ्रेड चिकन बन के तैयार है, अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेंगे। देखिए हमारा थ्रेड चिकन बन के तैयार है और ये बहुत ही टेस्टी बनी हुई है। अगर आप सबको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। कमेंट्स करके बताना कि आप सबको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।